बैसाखी पर्व पर रांची के गुरु नानक स्कूल में विशेष दीवान सजाया गया। इस मौके पर अमृतसर से रागी जत्था भाई दलबीर सिंह ने शब्द कीर्तन किया। वहीं इस अवसर पर रांची के पूर्व मेयर आशा लकड़ा और रांची के विधायक सीपी सिंह मौजूद रहे। तरह से बैसाखी का आगमन होता है, सरहुल का आगमन होता है और चैत्र नववर्ष का आगमन होता है, तो ये कहीं ना कहीं सनातन समाज के लिए बहुत बड़ा उपहार है। और आज सिख समुदाय के बीच में मैं आई हूँ और बैसाखी से एक आनंद होता है कि हम नववर्ष का आगाज करते हैं और अपने पूर्वजों को, अपने अपने जो देव इष्ट देव है उनको हम पूजन करते हैं और पूरा धूमधाम से आज सिर्फ रांची ही नहीं पूरा देश बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। और अलग अलग गुरुद्वारे में, अलग अलग पंथ के लिए, अलग अलग क्षेत्र में बैसाखी का पूरा उद्यम चलता है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में अगर बात करेंगे तो पूरा शरबत का और लंगर का पूरा आयोजन होता है, जगह जगह पर शरबत बांटते हैं और लोगों में एक उत्साह सा भर के आता है। देखिए, हमारे सिख समाज द्वारा ये बैसाखी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और गुरु का कीर्तन भी होता है और सारे सिर्फ सिख समाज के लोग नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोग भी इस अवसर पर आते हैं, अपना मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने और लंगर चखने का काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना सृजना की थी, उसी को मुख रखते हुए प्रत्येक साल ये बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। मैं समूह सिख समाज की ओर से, सिख समुदाय की ओर से झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हम मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएंगे, आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं और लंगर चखते हैं।